हजरत मूसा फिर एक दिन तौरात पढ़ रहे, फिर चौके, क्या हुआ आज? हजरत मूसा ने फौरन पहाड़ पे गए, पहाड़ पे गए और जाकर अल्लाह को कहा, रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मा हुम खैरु उम्मा यहफजून अलकिताब फी सुदूरिहिम। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जालहुम उम्मती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए, अल्लाह ने कहा आज क्या हुआ? कहा अल्लाह ये तौरात में तूने लिखा है एक उम्मत आने वाली है जो बेहतरीन उम्मत है, जिन पर आसमान से कुरान नाजिल होगा और वो कुरान को अपने सीने में लगा लगा के चलती होगी। बोलो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह वो उम्मत मेरी बना दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मत वाहमदा, फरमाया नाना वो तेरी उम्मत नहीं होगी, मेरे आने वाली आखिरी नबी की उम्मत होगी। ए देखो बड़ी बड़ी आसमान से जो किताबें उतरी ना, तो जबूर उतरी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अरे इतना तो मालूम होगा, बोलो ना, वो दाऊद, हजरत दाऊद हाफिज थे, बाकी उनकी उम्मत में कोई हाफिज नहीं था। तौरात उतरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत मूसा तौरात के हाफिज थे मगर उम्मत में कोई हाफिज। फिर इंजील उतरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत ईसा हाफिज इंजील के मगर कोई हाफिज। लेकिन जब कुरान पाक हमारे नबी पर आया, अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तेरा सीना इतना प्यारा है, इतना वसी सदर तू है, तेरे सीने में कुरान उतारूंगा और तेरे सदके में उम्मत के बच्चे बच्चों के सीने में कुरान उतार दूंगा। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचिए अहमदाबाद में कितने हाफिज होंगे। आसमानी किताब को अल्लाह ने किसी के सीने में नहीं उतारा, लेकिन मुस्तफा पर जो किताब उतरी अल्लाह ने उम्मत के सीने में उतारा। आज हाफिजों की जमात, हाफिजात की जमात, लड़कियां भी हाफिज। मौना हबीब, मौना अंजुम, आपको ताज्जुब होगा, 3 हफ्ते पहले मुझे सूरत में एक जगह पर दावत दी गई। मैं तो जुमा के बाद, मैंने तो कहा कि चाय वाय की दावत होगी, तो कहा नहीं मौलाना आप ज़रूर आइए। मैंने कहा भाई मेरे को कुछ खाना पीना नहीं। कहा मौलाना आपको आज अजूबा बता रहे, और वाकईतन मैं उस अजूबे से हैरान हो गया। एक 12 साल की लड़की जिसका नाम है तस्नीम और दोनों आंखों से मांजूर है, बताया कुरान पाक की हाफिजा हो गई। आँख नहीं है, नज़र नहीं आता है, और उसने जो अंदाज में कुरान पढ़ा पूरा मजमा धाड़े मार के रोने लगा। और मैंने कहना शुरू कर दिया कयामत में अल्लाह पूछेगा इसकी आंखें नहीं थी फिर भी हिफ्ज़ किया, तेरी तो आंखें थी, तूने कुरान करीम को सही नहीं किया। यह उम्मत की शान है कि आसमानी किताब किसी के सीने में नहीं आई, लेकिन कुरान जब आया है तो उम्मत के सीने में आया। और बनाओ अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मैं माओ बहनों और बेटियों को कहता हूं, ये तुम्हारा भाई, मैं एक भाई की तरह या समझो तुम्हारे बेटियों का बाप की तरह कहता हूं, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। क्या शान होगी हाफिज़े कुरान की। बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कयामत में एक हाफिज को लाया जाएगा, ऐसा ऐसा कांपता होगा। बोले ऐसा ऐसा, वो अकेला नहीं कांपता होगा, जितने भी पहलवान होंगे ना सब कांपते होंगे। हाँ मौलाना, कयामत का झटका कैसा होगा, हाँ सबका। तो अल्लाह ताला ये हाफिज को पूछेंगे, ए मेरा बंदा क्यों कांपता है? कहेगा अल्लाह तेरा बहुत डर लगता है, अभी सभी डरते हैं, मालूम नहीं क्या धमाका होने वाला है। तो अल्लाह कहेंगे जो होना होगा होगा, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तुझे आजाब देना होता तो तेरे सीने में मेरा कुरान काय को उतारता। तो हाँ, अब बताओ कोई बड़ा अपने को तसल्ली देवे तो हिम्मत आवे कि नहीं आए? अरे वहाँ हबीब जैसा पठान मेरे कंधे पे हाथ रखे, चलो कैरी ऑन, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो भाई पठान है, ऊट पठान तो नहीं है, पठान मेरे साथ में है। तो जब दुनिया का कोई बड़ा हमको साथ देता है तो हमको अच्छा साथ लगता है। तो जब अल्लाह कहते होंगे डर मत तेरे को आजाब होने वाला नहीं, तो हाफिज कुरान कितनी ताकत में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह तुम आजाब नहीं देने वाले, अब मुझे कोई आजाब देने वाला? अल्लाह कहेंगे आजाब नहीं देने वाला बल्कि तेरे को एक इनाम देने वाला। वो हाफिज कहेगा क्या इनाम? अल्लाह फरमाएंगे इकरा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया फइन मंजिलतक इंद आखिरी आयत तकरहुहा। अल्लाह कहेंगे हाफिज कुरान आ जाओ, जितनी हाफिजात आ जाओ, सारे मर्द औरतें जमा होगी जिनके सीने में कुरान होगा। अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। एक रिवायत के मुताबिक कुरान में 6666 आयतें हैं, अल्लाह ने जन्नत की सीढ़ी बनाई 6666 बनाई। पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, हाफिज कुरान पढ़ेगा मिनल जिन्नति वन्नास, पढ़ेगा और जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ जन्नत में जाके आराम, बोलो जन्नत में जाके हाफिज को हुर हुर।
नहीं, आप अहमदाबाद वाले को पूता उड़ चाहिए, मुझे अंजुम चाहिए करके ने तीन मरतबा गर्दन हिला दिया। वो मालूम है हदीस पाक में आया है, हजरत आयशा फरमाती है हम जब जन्नत में जाएंगे ना तो अल्लाह ताला एक हूर बताएंगे और पूछेंगे यू वांट दिस, आतने जोए तो जन्नती तो बेताब और बेकरार होगा ही, कहेगा अल्लाह तूने तो 72 कहा था, ये तो एक ही, अल्लाह कहेंगे पीछे 71 खड़ी है। तो कहेगा जन्नती को कहेंगे तुझे चाहिए कहाँ, फिर अल्लाह धीरे से पूछेंगे तुम्हारी बीवी को बुलाओ, तुम्हारी बहरी तुम्हारी वाइफ उसको बुलाओ, लियाकत भाई हाँ, अल्लाह पूछेंगे तुम्हारी बीवी को बुलाओ, तो क्या कहेगा नहीं अल्लाह अभी इस वक्त कोई जरूरत नहीं, ये है ना अल्लाह, है ना अल्लाह, तो अल्लाह कहेंगे एक मर्तबा देख तो ले तेरी बीवी को, वो थोबड़ा चढ़ा होगा ना ना ना, ना देखना थोबड़ा, अल्लाह कहेंगे एक बार देख तो ले, हमारी माँ हजरत आयशा फरमाती अल्लाह पर्दा उठाएंगे और उसकी बीवी आएगी, जो हूर को खूबसूरती मिली है 72 हूर को, उसको 70 गुना ज्यादा करके हमारी बीवी को खूबसूरती मिली होगी, और वो जब वो बीवी को देखेगा तो अल्लाह को कहेगा अल्लाह हाजी की ज़ौजती ये मेरी बीवी है, अल्लाह कहेंगे ये नहीं चाहिए, नहीं कहा अल्लाह उसको जाने दे यही बराबर है, हम दुनिया में भी 50 साल साथ में रहे थे यहाँ भी साथ में रह जाएंगे। मेरे प्यारो इंसान इतना लालची है, बोलो इंसान इतना, लेकिन कयामत में हाफिज की शान होगी, बोलो हाफिज कहाँ एंटर हो गया, एक दिन अल्लाह ताला की आवाज आएगी सारे हाफिज हो चलो चलो चलो, सारे हाफिज जमा होंगे, ओ अल्लाह 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 बुला रहे क्या हुआ, अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में चलो, ओ हो जन्नत की बालकनी, अरे जन्नत जितनी खूबसूरत होगी उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत बालकनी होगी, जब ये सारे हाफिज जन्नत की बालकनी में जाएंगे कहेंगे अल्लाह ये तो बहुत अच्छी जगह, अल्लाह कहेंगे नीचे देखो नीचे देखो बालकनी से नीचे, अब जहां नीचे देखेंगे तो नीचे बिल्कुल नीचे गहराई में जहन्नम होगी, किसी को पीप पिलाया जाता होगा, किसी को नंगा कोड़ा मारा जाता होगा, किसी के पेट में सांप घूम रहे होंगे, किसी को इतना उधेड़ उधेड़ के पटक दिया जाए, तो वो सारे हाफिज जितने होंगे ना सब कहेंगे अल्लाह ये बंद कर दे, अल्लाह ये नहीं देखना, अल्लाह ये हमारी जन्नत बराबर है, अल्लाह ये देखना नहीं, अल्लाह फरमाएंगे देखो इसमें कोई पहचान वाला नजर आता है, तुम्हारा मामू तुम्हारा चाचा तुम्हारा तुम्हारी खाला तुम्हारा कोई पहचान वाला नजर आता तो हाफिज वो देख कर कहेगा अल्लाह अल्लाह वो मेरा मामू है अल्लाह मैं पहचानता हूँ, कोई कहेगा अल्लाह मैंने इसको अहमदाबाद में देखा है, कोई कहेगा नाना मैंने इसको बयान में देखा, अल्लाह कहेंगे तुम जन्नती हो मुस्तफा के सदके, आज किसी की तरफ भी इशारा करो जिसकी तरफ इशारा करोगे आज उसको भी जन्नती बना दूंगा, बोलो तो ये कुरान हिफ्ज, बोलो हमारी माँ बहने बेटियां हाफिज बनाएंगी इंशाल्लाह, नहीं बोलो ना बनाएंगे इंशाअल्लाह, माँ की कुर्बानी आ जाए ना तो बेटा हाफिज बन जाता है, बाप कभी कभी ढीला पड़ जाता है, हाँ कभी थोड़ा उठा पटक होती है, और कभी कभी बेचारा वो बच्चा बोलता है कि अब्बा मेरे को याद नहीं होता, अब्बू अब्बू मेरे को याद नहीं होता, अब्बू 11 पारे हो गए लेकिन मेरे को याद ही नहीं होता, लेकिन माँ अगर उस वक्त मजबूत पहाड़ की तरह बन जाए कि तुझे याद तेरे जहन से नहीं करना है, तुझे माँ की दुआओं के सदके में याद करना है, अल्लाह कैसा चमकाता हुआ हाफिज बनाएगा। बल्कि मैं तो जब देखता हूँ ना लियाकत भाई जो हाफिज होते हैं, मौना के मदरसे में भी हाफिज होते, बड़े बड़े इनाम मिलते, अभी हमारे हिदायत भाई ने बताया एक बच्चा हाफिज हो रहा, मैंने कहा भाई उस बच्चे को बहुत बड़ा इनाम हमको देना पड़ेगा, क्योंकि कुरान करीम को सीने में रखा, आपको मैं बताऊँ मैं ये करम अल्लाह का, मेरी माँ की दुआ बाकी कुछ भी नहीं, मैं 10 महीने में हाफिज हुआ, कितने, और जब मैं हाफिज हुआ मेरे अब्बा को पता ही नहीं कि मैं हाफिज हूँ, वो मौलाना आकर बोले कि तुम्हारा बेटा हाफिज हो गया, मेरा अब्बा नए नए मुसलमान हुए थे, हाफिज हो गया, पूछते भी नहीं कि हाफिज का मतलब क्या, ठीक है सलाम वालेकुम करके चले गए, वो मौलाना मेरे को कहते तुम्हारे अब्बा कैसे, वो तुमको कुछ दिए भी नहीं, नहीं, और बेचारे मौलाना खुद जेब में से पैसे निकाले बच्चों को मिठाई बांटी, 10 महीने में वो सीने में कुरान आया है ना मेरे प्यारो, ये माँ की दुआ है, इसलिए मैं सब माओं को कहूँगा बच्चे को साफ कह दे तेरा जहन नहीं चलेगा, तेरे पीछे माँ की दुआ चलती रहेगी, बोलो इंशाअल्लाह बनेंगे ना हाफिज, बनेंगे ना इंशाअल्लाह।